ले आओ, नहीं मैं पुलिस को बुलाऊंगा, फिर जमानत भी नहीं होगी, ध्यान रखना। फोन नंबर बताइए मैडम। मैडम नहीं बताएंगे, मैं पुलिस बुलाऊंगा, फोन नंबर ही बताएंगे। जो आज आपने चलान की कार्रवाई की है, लोगों के सीसीटीवी के आधार पर चलान किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाएं सर। जी, कुछ दिनों पहले हमारे पास कंप्लेंट आई थी यहाँ पे मोरी गेट से, उन्होंने कमिश्नर मैडम को कंप्लेंट भेजी थी कि भाई यहाँ पे लोग कूड़ा गिरते हैं। तो हमने उसके व्याप पे यहाँ पे ड्राइव चलाई रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे, 4-5 दिन पहले की बात है। तो जितने लोग उस दिन पकड़े गए, हमने उस दिन उनके चलान किए, और कुछ लोगों को जो कैमरे फुटेज में आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 2 या 3 दिन का हमें टाइम लग गया, आज उनके चलान किए गए हैं। अब कुछ और भी पेंडिंग में हैं, उनको हम डेली चेक करेंगे, 1 हफ्ते लगातार कैमरे की फुटेज चेक की जाएगी और उसके ब्याह पे चलान किए जाएंगे। सर आज कितने चलान किए गए हैं? आज 3 चलान किए हैं जी, और कल परसों ये लगातार 4-5 दिन हम लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हर आदमी का चलान किया जाएगा जो भी बाहर कूड़ा गिरता पाया गया। सर ये कूड़ा जो गिरते हैं लोग, ये सर इनको कैसे पकड़ते हैं आप लोग? क्योंकि गिर के तो भाग जाते हैं या कुछ भी है, तो मतलब सीसीटीवी में कैद होने के बाद उनके घर तक कैसे पहुंचते हैं? उनके घर तक ऐसे है कि जिन्होंने कंप्लेंट की वो यहाँ के लोकल बसिंदे हैं, 10-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो जो फुटेज ले जाके लोगों को, आसपास के लोगों को दिखाते हैं, तो एक दूसरे पता करके उनके घर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर हमें बताते हैं, वो उसके ब्याह पे हम जाके उनके चलान करके आते हैं। जी सर, सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड के अंदर एक चीज़ है कि 100 या 200 रुपए का चलान हमारा कट जाएगा और हम भुगत लेंगे, और कई लोग गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं सर एरिया के अंदर, आप देखते होंगे सुबह सुबह के समय। जी, एक्चुअली क्या, जो घर पे जाके हम चलान करते हैं या घर पे कूड़ा गीला सूखा अलग अलग ना पाया जाए उसका चलान, उसका 232 रुपए का चलान है। अदरवाइज जो बाहर कूड़ा गिरते पाया उसका 11,000 समथिंग का चलान है। तो लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? तो मेरी लोगों से एक बार फिर आपके चैनल अर्थप्रकाश के माध्यम से यही अपील है कि बाहर कूड़ा मत गिराइए। नगर निगम की तरफ से गाड़ियां लगाई हुई हैं आपके पास, आपके चार्जेस लग के आएंगे पानी के बिल में, तो आप क्यों कूड़ा बाहर गिराने? आपके घर से कलेक्ट कूड़ा कर रहे हैं हम, गाड़ियां लगी हैं, डोर टू डोर कलेक्टर हैं, तो उनको काइंडली अलग अलग 4 प्रकार का कूड़ा करके दीजिए आप, और बाहर कूड़ा मत गिराइए। सर मेरा एक सवाल और है कि आप काफी दिन से आपने एक मुहिम छेड़ रखी है जागरूक की, जी जी, तो उसके तहत लोग जागरूक हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? देखो जी, हमारा प्रयास रहता है कि सख्ती कम से कम की जाए, लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तो हमें फिर सख्ती करनी पड़ती है। अवेयरनेस के मामले आप खुद ही देख रहे हैं, लगातार हम डेली ड्राइव कर चलाते हैं, डेली किसी न किसी मोहल्ले में जाकर अवेयर करते हैं, फिर भी जो लोग नहीं मानते फिर हम उनके लिए चलान करते हैं। सर जागरूक अभियान के तहत लोगों के अंदर सुधार आया? हाँ, काफी सुधार है जी, अब पहले से काफी लोग सुधर गए हैं, अवेयरनेस से कूड़ा अलग अलग करके देने लगे हैं। बट ये कुछ लोग हैं जो किराए पे रहते हैं या एक ही घर में 10-10 लोग किराए पे बैठे हैं, वो लोग मिक्स कूड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द सुधार लिया जाएगा, उनके चलान किए जाएंगे। गंदगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम का सहयोग करें, नगर निगम आपकी हेल्प के लिए है, कूड़ा अलग अलग करके दें, मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।